हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में खास क्या सीखेंगे आइए आपको बताता हूं। देखिए, अगर हम सेल्स वाउचर में जाते हैं तो एक ऐसी सेटिंग होती है कि रेट अपने आप आए। ठीक है, ये सेटिंग हम कहां से करेंगे? अभी जैसे मान लीजिए यहां पर सेल्स वाउचर में आता हूं, चलिए कैश ही ले लेते हैं और ये कैश में हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो सेल करते समय देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि रेट अपने आप नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर पहले सेल्स वाउचर का लेजर बना लेता हूँ, सेल्स अकाउंट का। तो ये सेल्स वाउचर है तो सेल्स अकाउंट का लेजर बनाया, इसे डाल दिया अंडर सेल्स में। तो यहाँ सेल्स का ग्रुप आ जाएगा, तो ये सेल्स अकाउंट में डाल दीजिए, इंटरफेस कीजिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं कोई आइटम लेता हूँ, स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे क्वांटिटी अगर मैं डालता हूँ तो रेट अपने आप से नहीं आता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेट कैसे सेट करें, इसको रेट हम कैसे सेट करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, रेट अपने आप आ जाएगा और ऐसा रेट आएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सामान, कोई भी स्टॉक आइटम अगर ज्यादा अमाउंट में सेल किया जाए, जैसे मान लीजिए एक कीबोर्ड सेल करेंगे तो उसकी कीमत 220 रुपए लगेगी, लेकिन यही 200 कीबोर्ड सेल करेंगे तो उसकी कीमत घट जाएगी, क्योंकि ज्यादा आइटम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ग्राहक ज्यादा आइटम परचेज कर रहा है और आप ज्यादा आइटम सेल कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप रेट कुछ घटा करके देंगे, यानी कि एक ही बार में आपको ज्यादा माल वो ले लेगा, आपसे खरीद लेगा, तो इस कंडीशन में आप रेट घटा देंगे, 200 रुपए कर देंगे, जो 220 का था वो 200 का देंगे। अगर उससे भी ज्यादा, 1000 से ज्यादा खरीदेगा तो उसको और घटा के देंगे, उसको हम 150 में देंगे। तो कुछ इस तरह का हमको करना है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। क्रिएट पे चलेंगे सीधा सीधा, और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे इन्वेंटरी मास्टर में बहुत सारे ऑप्शन अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो शो मोर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी भी दिया हुआ है शो इनएक्टिव, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर इनएक्टिव आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर सीधा आ जाइएगा आप, कहाँ ये दिया हुआ है प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक जैसे करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर नाम लिखा हुआ है कंपनी का, बाकी एंटरप्राइज करके नीचे आते हैं, यहाँ पर हमको प्राइस लेवल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटरप्राइज करता हूँ, यहाँ पर प्राइस लेवल क्या बनाएंगे, यहाँ पर मैं दे देता हूँ मल्टी प्राइस, ये लिख दिया मैंने। इस तरह से कुछ भी आप दे सकते हैं, ये मैंने मल्टी प्राइस दे दिया, एंटरप्राइज किया और यही मल्टी प्राइस इसमें आ जाएगा। अब एंटरप्राइज करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको प्राइस सेट करना है, तो कीबोर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पर प्राइस क्या सेट करना है, देखिए कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड जो है यहाँ पर देख सकते हैं, लेस देन 5 अगर आप लेते हैं, लेस देन 5 माने कि 4 लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, तो रेट उसके लिए क्या लगेगा, 230 रुपए लगा रहा हूं। ठीक है, अब ये बिक्री रेट है, मतलब बेचने वाला रेट है, ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर 5 से ऊपर और 100 तक खरीदते हैं तो रेट क्या लगेगा, 225 रुपए लग जाएगा। ठीक है, ये लगा दिया हमने। फिर नीचे आएंगे, अब अगर 100 से ऊपर और 500 तक खरीदते हैं तो यही रेट घट करके हो जाएगा 200 रुपए। ठीक है, और फिर अगर 500 से ऊपर खरीदते हैं तो यही रेट घट करके कितना हो जाएगा, 175 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो एक कीबोर्ड की कीमत 175 रुपए ही पड़ेगी। अब आते हैं माउस पर। इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स आपके पास हो तो उनके लिए भी आप रेट सेट कर सकते हैं। यहां पर लेस देन, अब यहां पे कर देता हूं लेस देन 2, यानी एक खरीदते हैं, एक माउस अगर खरीदते हैं तो उसकी कीमत आपको पड़ेगी 200 रुपए। ठीक है, ये 200 दे दिया। अब यहां पर आते हैं, अगर एक दो से अधिक और 10 के बीच में खरीदते हैं तो कितनी पड़ेगी, तो यहां पर 195 रुपए माउस की कीमत पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, अब मान लीजिए कि आप 500 तक माउस परचेस कर लेते हैं तब कितना होगा, तब इसका रेट घट जाएगा, 175 रुपया पड़ेगा, एक माउस की कीमत 175 रुपए। ठीक है, अब एट लास्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं डालने का मतलब यही है कि इसके ऊपर चाहे जितना परचेज कीजिए आपको 150 रुपए में मिल जाएगा माउस। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सेल के लिए आप कर रहे हैं, ग्राहक आपसे परचेज करेगा और ये सेल के लिए आप कर रहे हैं, यानी कि सेल्स के लिए ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, अब यहां से बाहर आ जाता हूं। बाहर आने के बाद अब चलते हैं सेल्स वाउचर में। ये आ गए सेल्स वाउचर में। अब यहाँ पर एक डेटर पार्टी बना रखा है, इसी से मैं करता हूँ एंट्री पास। ठीक है, तो ये राजू डी ले लेता हूँ, यहाँ पे एंटरप्राइज करता हूँ, एंटरप्राइज करता हूँ, एंटरप्राइज करता हूँ, और फिर यहाँ पर इनका GSTIN अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये GSTIN मैं डाल देता हूँ, एंटरप्राइज करता हूँ। यहाँ पर देखिए मल्टीप्राइस जो हमने बनाया था वो आपके सामने है। अब इसको ले लीजिए आप, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ ही जाता है।
यहाँ पर अब हम ले लेते हैं कीबोर्ड, ठीक है, तो कितना रुपया लगता है, 230 रुपया लगेगा एक कीबोर्ड का। यही कीबोर्ड अगर हम दो, अब कितना लगता है, देखिए यहाँ पे घट गया दाम, 200 रुपया हो गया, और यही कीबोर्ड अगर हम 520 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखिए घट करके दाम कितना आ गया, 175 रुपया आ गया, ठीक है। अब माउस की बात कर लेते हैं, तो ये माउस है, अगर एक माउस पर 75 रुपए का मिलेगा, देख सकते हैं, और यही माउस अगर आप, यानी ग्राहक इसको परचेस करेगा और आप सेल करेंगे, तो कितने का सेल करेंगे आप, सेल करेंगे इसको, यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर 200 की बात कर लेता हूं, 200, तो यहां पर देख सकते हैं 200 पे भी रेट कितना आ रहा है, 200 अगर सेल करते हैं तो भी रेट आपका आ रहा है 175 रुपए, ठीक है। और फिर यहाँ पे माउस करता हूं, और अब की बार यहाँ पे अगर 200 मैं नहीं करता हूं, देखिए यहीं पर मैं कर देता हूं इसको, यहाँ देखिए यहाँ पर अगर मैं 500 से ज्यादा करता हूं, तो ये देखिए 500 जैसे ही किया मैंने, तो यहाँ पे रेट कितना आ गया घट करके, 150 रुपए आ गया। तो जब भी 500 से ज्यादा आप सेल करेंगे तो यहाँ पे रेट क्या आएगा, ये आएगा आपका 150 रुपए, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपने सेट किया था उसी हिसाब से ये आ रहा है। अगर मान लीजिए 600 करते हैं तब क्या होगा, तो अभी तो नेगेटिव स्टॉक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पर रेट कितना आ रहा है, 150 रुपए ही आ रहा है, जो हमने स्टैंडर्ड रेट सेट किया था उसी के मुताबिक ही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर लगा देता हूँ, ये लगा दिया हमने, और यहाँ पे एसजीएसटी लगा देता हूँ, सीजीएसटी तो ये एसजीएसटी लगा दिया, और कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये इसको प्रिंट दिखाता हूँ, प्रिंट निकाल करके कि ये किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए एक बार और एंटर प्रेस कीजिए, और फिर यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको प्रीव्यू दिखाई दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रीव्यू है, यहाँ पर कुछ इस तरह से रेट सेट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।